जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं RBSH की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। नमस्कार, RBS लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है और हम इस समय पिंटो पार्क के वैष्णो गार्डन में आए हुए हैं, जहां पर कर्तव्य जन सामाजिक संस्था की तरफ से 7 दिन का दीपावली सप्ताह का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसका समापन कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष कार्यक्रम के हैं, वो यहां पर आए हुए हैं और बहुत सारे लोग यहां पर इस कार्यक्रम में हैं जो इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं और जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं, उनसे बात करते हैं। वीणा प्रधान जी, डॉक्टर वीणा प्रधान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, एक अलग तरीके का कार्यक्रम इस संस्था ने यहाँ पर करने जा रहे हैं, 7 दिन का कार्यक्रम था, आज समापन कार्यक्रम हो रहा है, शहर के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने ये कार्यक्रम किया है, कि क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में और इन संस्था के लोगों के बारे में? ये बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि दिवाली एक दीपों का त्यौहार है। ये बच्चे अपने जो संस्था है कर्तव्य, उस नाम को सार्थक करते हुए सारे लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। बच्चों को वो खुशियां बांट रहे हैं कि हमें किस तरह से जलाना है, और इनके साथ जो हम लोग चल रहे हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको रहना है। ये बच्चे उपहार भी दे रहे हैं, उन्हें फुलझड़ी भी दे रहे हैं। साथ में हमारी जो टीम चल रही है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ बाई प्रोफेशन, तो मैं इन्हें ये बता रही हूँ कि सुरक्षित दिवाली आप कैसे मनाएं। जी, तो दो चीज़ें एक साथ की जा रही हैं, कि एक तरफ जिन घरों में दिए नहीं जलते, हाँ, उन गरीब घरों में भी इनका दिए जलाने का प्रयास है, बच्चों को फुलझड़ी और पटाखे देने का इनका प्रयास है, मिठाइयाँ बांटने का इनका प्रयास है, और वो सफल होता जा रहा है। दूसरी तरफ आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दीपावली किस तरीके से मनाएं, उसकी सुरक्षा के क्या क्या उपाय इस्तेमाल किए जाएं, साथ साथ में जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं। और उसके साथ एक चीज हम और कर रहे हैं कि इन बच्चों को बोल रहे हैं कि दिए ही जलाएं, बाकी आप वो चाइनीज लाइट या उन चीज़ों का उपयोग ना करें, जिससे जो हमारे हमारे देश का पैसा, हमारे कुम्हारों की मेहनत, वो सारी सार्थक हो, जो पूरे साल इंतजार करते हैं कि हमें ये त्यौहार आएगा तो हम सार्थक कमाएं। चाइना की चीजों का इस्तेमाल ना करें, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, वो हमारे पर्व जिस भारतीय संस्कृति सभ्यता के साथ मनाए जाने चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर कर्तव्य जन सामाजिक संस्था की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैडम, आप बताइए कुछ, आप तो शुरू से इस संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहती है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चियों को बधाई और शुभकामनाएं ही देना चाहूंगी, क्योंकि कर्तव्य जन जो सामाजिक संस्था है उसमें कार्यकारिणी की अध्यक्षा जो संजय शर्मा जी हैं, वो बहुत ही निस्वार्थ भाव से काम करती हैं और अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रही हैं। स्लम एरियाज में जाना या ऐसे घरों में जाना जहां किसी भी तरीके की कमी हो, उसकी जानकारी लेती हैं, उसको परिपूर्ण करती हैं। साथ ही जो उन्होंने जो साप्ताहिक चलाया दीपावली के उपलक्ष्य में, अभी तक किसी ने भी ये इतना अच्छा कार्यक्रम नहीं किया, और ये बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंची हैं जहां हर कोई संस्था या हर कोई व्यक्ति पहुंचने में थोड़ा सा विचलित है। मैडम, आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर उत्साह आप देखते हैं बच्चों के अंदर, जो महिलाएं आ रही हैं उनके अंदर कितना उत्साह देखते हैं आप? हमको आप सहजन की आप बोलिए, नहीं आप बताइए, बताइए। बहुत खुशी होती है बच्चों को दीपावली त्यौहार मनाने में, और जी इस कर्तव्य जन सामाजिक संस्था की अध्यक्षा शैल्या शर्मा जी भी हमारे साथ में है, और अल्प समय में इस संस्था की पहचान पूरे ग्वालियर में इन्होंने एक बड़े स्तर पर कायम की हुई है, बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत टाइम से मैं इनको जानता हूँ। शैल्या जी, एक अलग तरीके का कार्यक्रम आप ग्वालियर में लेकर के आए हैं, बच्चे कितनी अपेक्षाएं कर रहे हैं आपसे जब आप उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम आपको पटाखे और फुलझड़ी और मिठाई बांटने आए हैं? मेरा नाम शैलजा शर्मा है और कर्तव्य जन सामाजिक संस्था की अध्यक्ष। बच्चे, जिन बच्चों के पास हम जा रहे हैं उनको एक तो बहुत उत्साह लगता है कि उनको दीपावली से पहले उनको उपहार मिल रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उपहार उपहार होता है, तो इस तरीके से उनको, और वो उनकी कई चीज़ों के कि कोई बुक मांग रहा है, कोई कॉपी मांग रहा है, कोई पेंसिल मांग रहा है, तो इस चीज़ से ये भी पता चल रहा है कि बच्चों को पढ़ाई में भी रुचि है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, हम ये भी पता कर रहे हैं कुछ कहाँ पढ़ाई हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, ये चीज़ों की भी हमें जानकारी मिल रही है, कौन से बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो भी हमें चीज़ें पता चल रही हैं, किसको किस चीज़ की डिमांड है ये भी हमें। तो आपका कहने का मतलब है कि आपको अलग अलग जो एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनकी जानकारियाँ भी एकत्रित हो रही हैं, ताकि आगे वाले कार्यक्रम आप उसके
हिसाब से बना सके। हमें हर क्षेत्र में, जैसे हम कई जगह गए तो वहाँ महिलाओं की भी समस्या है, उनको रोजगार की भी समस्या है, उनको कुछ सीखना भी है, तो मतलब हर चीजों की हमें जानकारी मिल रही है कि हमें क्या क्या चीजें आगे नई करनी है। तो ये जो हमने साप्ताहिक कार्यक्रम समापन कार्यक्रम में क्या क्या हो रहा है, आज समापन कार्यक्रम में हमने 21 महिलाओं को साड़ियाँ वितरण कर रहे हैं और जो बच्चे हैं उनके साथ आए हुए हैं उनको हम खाद्य सामग्री और बुक्स वगैरह उनको आज के मुख्य अतिथि आए थे अभी मुन्नालाल गोयल जी। जी क्या बोल के गए आपकी संस्था के बारे में? मैं उस समय उपस्थित नहीं था लेकिन मैं अपने कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैं बादाम सिंह राजपूत भारतीय अपना अधिकार पार्टी से राजकीय अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम मैं कर्तव्य जन सामाजिक संस्था की जो अध्यक्ष हैं ग्वालियर की उनकी उन्हें और उनकी टीम को मैं इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम की पहल उन्होंने बिल्कुल अनूठे स्तर से की है जिसमें कि दीपावली से पूर्व बच्चों के प्रति जो सावधानियाँ और उनको पटाखे दीपक आदि जो है टॉफी और उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनमें खुशी की लहर जो दौड़ाई है वो अति सराहनीय कार्य किया। सराहनीय कार्य किया तो ये कहना है इस संस्था के जो पदाधिकारी है उनका और यहाँ पर जो उन्होंने विशिष्ट अतिथि के रूप में जो गणमान्य लोगों को बुलाया उनका। लेकिन कोई भी कार्यक्रम तब तक अधूरा होता है जब तक कि उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग मौजूद नहीं होते। तो हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम की शोभा यहाँ पर आकर के बढ़ा रहे हैं। जी आप कहाँ रहते हैं? जी आपको पता है आज क्या कार्यक्रम यहाँ होने वाला है? जी आपको पता है? जी हाँ, यहाँ पर गजन सामाजिक कर्तव्य संस्थान की तरफ से बच्चों को और महिलाओं को कुछ जानकारी दी जाएगी और उन्हें कुछ उपहार दिए जाएंगे, वो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। तो आप संस्था के सदस्य हैं? जी। अच्छा, कितना प्राउड होता है जब इस तरह के कार्यक्रम आप लोग बनाते हैं, आयोजित करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, कितना प्राउड होता है? अच्छा लगता है कि किसी गरीब की मदद कर पा रहे हैं, किसी जरूरतमंद को उसकी जानकारी दे पा रहे हैं। अच्छा लगता है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी, आप भी संस्था की सदस्य हैं? हाँ सदस्य हैं। जी कितना प्राउड होता है आपको? काफी अच्छा लगता है कि हम किसी की मदद कर पा रहे हैं। जी और ऐसे समय में कि दीपावली का पर्व है, जी उस समय अपन गरीब बच्चों को जिनके पास वास्तविक में परेशान है वो इस त्योहार को नहीं मना पाते हैं किसी कारण, उनका सहयोग कर रहे हैं। उनका सहयोग कर रहे हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जो सज धज कर तैयार हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सांगवी देवी। क्या करने वाले हैं आज? मैं गणेश बनने वाली। कितने दिन लगे आपको तैयारी करने में? आधा घंटा। आप क्या करने वाले? मैं भी सेमी क्लासिकल डांस करने वाली। सेमी क्लासिकल डांस करने वाले। और आप बताइए कितनी तैयारी करवाई आपने इन लोगों को? ये तो खुद ही सीख के आए हैं, खुद ही सीख करके आए हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं जहाँ पर जो हैं साथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर यहाँ के रहने वाले हैं। आप मैडम यहीं रहते हैं, ये कार्यक्रम के बारे में जो जानकारी आपको मिली मतलब ये कार्यक्रम करने वाले हैं दीपावली से पहले एक दीपावली मना रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। क्या आपको क्या बताया गया था, क्या कार्यक्रम होने वाला है? अच्छा लग रहा है। आइए बच्चों से और बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो पटाखे और फुलझड़ियाँ जो मिलने वाली हैं अभी यहाँ पर हैं उनको पता है? अच्छा आपको पता है कि यहाँ पटाखे और फुलझड़ी भी मिलने वाले हैं? पता नहीं। पता नहीं है आपको? पता है? नो सर। नो पता है आपको? पता है। अच्छा, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुन्नालाल गोयल क्षेत्रीय विधायक थे जिन्होंने वहां आकर संस्था के द्वारा साड़ियों का वितरित किया। तो अभी क्षेत्रीय विधायक मुन्नालाल गोयल जी यहां इस कार्यक्रम में आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने इस संस्था के द्वारा जो कुछ महिलाओं को साड़ियां बांटी गई हैं वो उन्होंने अपने हाथों से दी हैं। जी कैसा लग रहा है आपको, साड़ी मिली है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दीपावली मनेगी आपकी अच्छी से? जी मैडम आप बताइए। अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ महिलाएं हैं जिनको यहाँ पर इस संस्था के द्वारा साड़ियाँ भी बांटी गई हैं और इनका कहना है कि हमको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और दीपावली से पहले एक दीपावली यहाँ पर जो मनाई जा रही है वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इस संस्था के एक सदस्य और हैं, उनसे भी आइए बात करते हैं। जी सर क्या नाम है आपका? राम कुमार शास्त्री। जी साड़ियाँ भी बांट दिए, दिए भी जला रहे हैं, मिठाई भी जला रहे हैं, मतलब दीपावली से पहले एक नई दीपावली मना रहे हैं आप? दीपावली ही है आज से ही, बच्चों के लिए सब खुशी का त्यौहार है। जी इससे पहले ही सारी तैयारियां की है और सब महिलाओं को साड़ियाँ वितरण कराई जा रही हैं और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपावली का। तो अपने सहयोगी अजय दुबे के साथ मैं संजय भारद्वाज RBS लाइव इंडिया के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज़। जय हिंद।